यमुनानगर में आज कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा SC ST आरक्षण के मुद्दे को लेकर पहुंची और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और यहां तक कह दिया कि दिल्ली चुनाव के बाद जो महंगाई केंद्र सरकार ने बढ़ाई है और जो गैस सिलेंडरों के रेट बढ़ाए हैं उस पर बहनों का श्राप मोदी को जरूर लगेगा। हालांकि दिल्ली चुनाव पर शैलजा ने गंभीर होते हुए कहा कि इस पर चिंतन जरूरी है। आज कुमारी शैलजा SC ST पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर पहुंची थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अनाज मंडी के गेट पर संबोधित किया और वहीं पर भाजपा के प्रति जमकर भड़ास निकाली और सीधा प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अब देश आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि काफी पीछे चला गया है। देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, केंद्र सरकार झूठ का सहारा लेती है और लोगों को आपस में बांटने का काम करती है। उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा लोगों को धर्म जाति के नाम पर बांटकर राजनीति करती है, लेकिन भाजपा की बातों से लोगों का पेट भरने वाला नहीं है, उसके लिए रोजगार चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री जो महिलाओं की बात करते हैं, अब वही महिलाएं अब आशीर्वाद नहीं बल्कि अब श्राप देंगी क्योंकि उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और बेटियों के पास रोजगार नहीं है। शैलजा ने दिल्ली में हुए चुनाव पर भी भाजपा पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के प्रति गलत प्रचार करने के बाद भी दिल्ली में भाजपा कुछ ज्यादा नहीं कर पाई। हालांकि दिल्ली चुनाव के बाद ही केंद्र सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, जबकि कांग्रेस की हार को लेकर शैलजा ने कहा कि गंभीर मामला है, इस पर अब कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा। वहीं शैलजा ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हुई जीत को लेकर भी केजरीवाल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है, आज उन्हें शपथ ली है। हालांकि आम आदमी ने पहले भी एक्सपेरिमेंट करने की पंजाब में कोशिश की, लेकिन वहां क्या हाल हुआ। हम तो यही चाहेंगे कि दिल्ली में पूरे देश के लोग बसते हैं और ऐसे में दिल्ली की बेहतरी के लिए केजरीवाल और भी बेहतर काम करें। दिल्ली में जीते हैं उसकी तो बधाई है, इनको बधाई देंगे, एक लोकतंत्र है तो वो जीते हैं तो उसकी बधाई उन्हें, आज उन्होंने ओथ ली है उसकी बधाई। लेकिन इन्होंने पहले भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, पंजाब में गए और वहाँ पर क्या हाल हुआ। हम तो यही चाहेंगे कि दिल्ली में देश भर के लोग बसते हैं, हमारे हरियाणा के भी बसते हैं और साल में महीने में कुछ दिन हम भी बसते हैं वहाँ, तो भाई दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करें। दिल्ली के लोगों ने आपको ऐतिहासिक जीत दी है, अब दिल्ली के लोगों पे काम करो। अगर आप फिर से करोगे इस तरह की राजनीति तो भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको मैंडेट मिला है दिल्ली का। पंजाब में पहले करने की कोशिश की, हरियाणा में कोशिश की, लेकिन वहाँ के लोगों ने आपको नाकार कि ये जो असली मानसिकता है, असली एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी RSS का, और जब बवाल उठता तो फिर ये पीछे हट जाते, नहीं नहीं आरक्षण तो रहेगा, पहले चिंगारी लगाओ और फिर उसको बुझाने का दिखावा करो कि ये दलित विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं और पिछड़े वर्ग विरोधी हैं। देश को बांटने के अलावा इनकी विचारधारा कुछ नहीं है, चाहे धर्म के नाम पर बांटें। और आपने देखा अभी दिल्ली में हाल ही के चुनाव में कैसी बातें करते हैं, केवल जहर घोलते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता। हरियाणा के यमुनानगर से लाजपत राय, ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।